हेलो फूडीज, क्या हाल है आपका। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी किचन शर्मा फीस्ट में। दोस्तों, आज हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो आप हर दूसरे दिन जरूर खाते होंगे। हम जब छोटे थे, हमारे घर के पास मंदिर है, जब भी आप या वैसे भी कहीं पे लंगर खाते होंगे, वहाँ पे एक आइटम कॉमन है, वो है रायता। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं लंगर वाला रायता, जो कि हलवाई बनाते हैं और उस मतलब जब आप उसको खाते हो तो अमृत जैसा टेस्ट आता है। आज वो रायता हम बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने कुछ आइटम लिए हैं, ये मैं जैसे जैसे यूज करता जाऊंगा मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये हमने 250 ग्राम के करीब दही लिया है। सबसे पहले हमने इसको दही को अच्छे तरीके से ये फेंट लेना है, एक सार कर लेना है। बेशक आप चाहे तो इसको मलमल के कपड़े से एक बारी ड्रेन आउट कर लीजिए। और दोस्तों, लंगर वाले रायते में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट एक एनहेंस करता है वो है छाछ। आप घर पे बनाते होगे या आजकल आम आपके डेयरी प्रोडक्ट जहाँ पे आपके मिलते हैं वहाँ से आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये छाछ मैंने ली है लगभग 50 ग्राम के करीब, वो हमने इसमें ऐड कर लेनी है। दोस्तों, अब हमने इसको रायते को दही को अच्छी तरह मिला लेना है। अब दोस्तों, इसके बाद हमने सबसे पहले आप रायता किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। इसमें आप खीरा डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, अपने जो टेस्ट आपको अच्छा लगता हो। मैं इसमें बना रहा हूँ ये बूंदी का रायता, और जो आप लंगर में खाते हैं वो बूंदी का ही रायता होता है। दोस्तों, आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने डालना है ये, मैंने थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च थोड़ा सा हमने इसको कूट लिया है, ये डालने हैं। और उसके बाद में दोस्तों, ये जरा सा ये पिसा जीरा है वो हमने इसमें ऐड कर लेना है। दोस्तों, इसी के साथ ये थोड़ा सा हमने चाट मसाला लिया है, ये चाट मसाला इसमें ऐड करना है। और थोड़ा सा चुटकी भर ही हमने इसमें गरम मसाला डालना है। थोड़ी सी दोस्तों टेस्ट के अकॉर्डिंगली लाल मिर्च डालनी है, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। ये मैं थोड़ी सी इसमें पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड करूँगा। और सबसे लास्ट में हमने डालना है दोस्तों इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी दोस्तों इसके टेस्ट को बहुत ही बढ़िया बना देती है, एक फ्रेग्रेंस जो आती है इससे वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाजवाब करती है। और दोस्तों, इसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें ऐड करना है काला नमक। ये काला नमक डाइजेशन में बहुत काम आता है, आपके खाने को पचाता है और इसके बहुत ही गुण बढ़िया है। अब दोस्तों, इसको हमने मिला लेना है। और दोस्तों, अगर आपको आपका जो बनाया हुआ रायता है थोड़ा सा गाढ़ा लगता है तो आप इसको पानी डाल के, क्योंकि छाछ इसमें ज़्यादा नहीं डालने, थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया, मैं इस समय बता नहीं सकता कि कितनी बढ़िया इसकी अरोमा आ रही है रायते की। और दोस्तों, लास्ट में हमने इसमें ऐड कर लेना है थोड़ा सा धनिया। ये धनिया हमने इसमें डाल लिया है। दोस्तों, 5 मिनट में हमने इस रायते को बना लिया है। आप इसको ट्राई कीजिए, मेरे को बताइए कि ये आपने रायता ट्राई किया कैसा बना। 100% कहता हूँ दोस्तों कि
इसका टेस्ट अल्टीमेट लंगर के रायते जैसा ही होगा। आप आलू पूड़ी बनाइए, साथ में ये रायता बनाइए, जाएगा बहुत ही ज्यादा जाएगा। पूड़ी छोले बनाए, साथ में ये ऐसा रायता बनाइए, अल्टीमेट टेस्ट आएगा। तो दोस्तों आइए इसको डिश आउट करते हैं, हमारे रायते को। अभी मैंने बोलना है दोस्तों, देखा आपने कितने बढ़िया तरीके से हमने ये अपने लंगर वाले रायते को बना लिया है। तो दोस्तों आप इसको जरूर 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 ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मेरे को दीजिए कि आपने बनाने की कोशिश की, आपसे कैसा बना। और दोस्तों इसी प्रकार आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें, मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लाता रहूँगा। और दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों इसी प्रकार आपसे मिलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।